हेलो फ्रेंड, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत खास है एंड इसीलिए लाइक तो बिल्कुल बनता है, इसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। एंड जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज यहाँ पर मैं रिलैक्सो एंड कैंपस एक्टिवेयर का जो है कंपैरिजन करने वाली हूँ एंड आपको मैं बेस्ट एनालिसिस प्रोवाइड कराने वाली हूँ, जिससे कि अगर आप फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं कि दोनों में से कौन से ले, क्योंकि दोनों ही सस्ते मिल रहे हैं, एक 45% करेक्शन में तो दूसरा 42% करेक्शन में है, यानी कि 40% से ज्यादा का करेक्शन है। तो ऑब्वियस मन में सोच रहे होंगे आप रिलैक्सो की तरफ जाए कि कैंपस की तरफ जाए, तो यहाँ पर ये कंक्लूजन आपका क्लियर होने वाला है, यानी कि आपको अच्छा कंफर्मेशन मिल जाएगा। दोनों से बेहतर कंपैरिजन मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ, जिससे कि अपने लिए आप बेहतर स्टॉक पिक कर सकेंगे शॉर्ट टर्म के साथ भी एंड लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मैं आपको टारगेट्स भी यहाँ पर बताने वाली हूँ कि क्या आपको लेवल मिल सकता है। दोनों से मैं बेस्ट आपको जो है नॉलेज ही देने वाली हूँ एंड बिल्कुल अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, कंफ्यूज हो आप, पोर्टफोलियो में आपने रखा भी है कैंपस चाहे रिलैक्सो, तो किससे लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी आपको ज्यादा मिलेगी ये भी आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो बस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए एंड अगर आप में से किसी ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करा है या फिर अपना डीमेट अकाउंट चेंज भी करना चाहते हैं तो एंजलवर एमस्टॉक एंड एलिस ब्लू का मैंने नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, स्टॉक 247 का कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है अभी तक, तो अगर आप में से कोई भी टेलीग्राम को रियल समझकर फॉलो कर रहा है, वहां पर सब्सक्राइब किया है, तो आज ही रिपोर्ट एंड ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि वो आपसे पैसे लूटने के लिए ही बैठे हैं वहां पर। सेकंड, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे फेक आईडी बन चुके हैं, तो ओरिजिनल को ही फॉलो कर रहा है, किसी भी फेक को फॉलो मत कर लेना। एंड अगर बिल्कुल फ्री में पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है पोर्टफोलियो 247, जो भी हाल फिलहाल में ही बना है आप सबका फ्री में पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए, तो पोर्टफोलियो 247 चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड चलिए अब अपना कंपैरिजन भी देख लेते हैं। तो आज जो है रिलैक्सो 840 रुपए पर ट्रेड कर रही है, ठीक है, एंड कैंपस ट्रेड कर रहा है 357 के अराउंड, ये ट्रेड कर रही थी जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये अपने जो इसने हाई बनाया है 1460 रुपीज का, उससे अगर कंपैरिजन आप करोगे तो 42% ये करेक्शन में है, अपने हाई से 42% करेक्शन में है। ऑब्वियस 40% से ज्यादा का करेक्शन स्टॉक सस्ता मिल रहा है, सबको ऐसा लगेगा। कैंपस की अगर मैं बात करूं तो इस स्टॉक ने 640 का हाई बनाया है एंड उससे कंपैरिजन करते हैं तो ये 45% करेक्शन में है। अब आप बताओ सबसे ज्यादा डिस्काउंट पर आपको कौन मिल रहा है, दिख रहा है ना 45% कैंपस है, बट क्या ज्यादा सस्ता मिलना बेटर होता है क्या? नहीं, एनालिसिस ज्यादा बेटर होती है, कौन स्टॉक जो है अट्रैक्टिव मिल रहा है, अंडरवैल्यूड कौन सा है एंड किसकी वैल्यूएशन ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है एंड किसमें ज्यादा ग्रोथ मिल सकता है एंट्री लेने पर भी, ये ज्यादा मायने रखता है, जिसको हम जानने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा आपको पीछे ले चलती हूँ मैं, इनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको भी पता हो कि कंपनी कैसे आई है, क्या कर रही है। कैंपस की अगर मैं बात करूं तो ये जो है मार्च 2022 में ही लिस्ट हुई है, ये तो काफी 2011 में लिस्ट हुई थी ये, एंड ये अभी मार्च 2022 में ही लिस्ट हुई है एंड ये आया था 400 रुपए पर, इसकी लिस्टिंग हुई थी 410 के आसपास था, 400 रुपए मैं मानती हूँ एंड उसके बाद इसमें फॉलिंग आई थी 300 रुपए तक, ठीक है, एंड इसी 300 रुपए से रिवर्स दिखाया था इसने 640 तक का नवंबर में, नवंबर 2022 में ही, लगभग 7-8 महीने में जो है इस स्टॉक ने 200% तक का रिटर्न दिया, सॉरी 100% का, यानी कि लगभग पैसों को उसने डबल से ज्यादा कर दे इस 300 के प्राइस से, 400 के हिसाब से लगभग किया है, ठीक है। तो इतना रिवर्सल देखने को मिला एंड अभी 640 के इस करेक्शन के बाद से अब स्टॉक ओवर प्राइस हो चुका था। लिस्टिंग होती है किसी भी की भी, एक तो ऐसी ये हाइपर लिस्ट होते हैं, उसके बाद ये इनके प्राइसेस जब बढ़ते हैं बहुत ऊपर, तो वैसे ही समझ जाना चाहिए कि ओवर प्राइस है, ठीक है। तो उस वजह से आप करेक्शन इसमें देखने को मिल रहा है, खुद को आप अपने वैल्यूएशन में सेट करिए, तो ये 45% करेक्ट हो चुका है। इधर रिलैक्सो की बात कर लेते हैं, ये आया था 2011 में, आपको बता दूं कि ये कभी 11 रुपए पर ट्रेड करती थी 2011 में, इसका जो कि सबसे लोएस्ट पॉइंट है अभी तक का, 14 रुपए पर ये आई थी, लिस्ट हुई थी 2011 में, 11 रुपए का इसने लो बनाया था। उसके बाद इस स्टॉक ने ये देखो अब इतना हाई बनाया है 1460 रुपए का, आपको बता दूं कि इस यहां से यहां तक जब मैंने कैलकुलेट किया तो 11,500% का रिटर्न दिया है इसने, जिसने अगर अभी तक होल्ड किया होगा तो 11,500% तक का रिटर्न मिला है। ऑब्वियस बहुत सारे लोग हैं जो होल्ड करके बैठते हैं, चलते हैं, इतना लेकर रखते हैं, तो वही तो बड़े इन्वेस्टर बनते हैं, उन्हीं का तो पैसा इतना गुना हो जाता है एंड वो करोड़पति बनकर निकलते हैं जो पेशेंस के साथ होल्ड करते हैं, एंड इसीलिए कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है एंड ये प्रूफ हो चुका है पहले। लेकिन खैर इस टाइम मार्केट वोलेटाइल चल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में लोगों को ट्रस्ट थोड़ा नहीं बन पा रहा है। अब देखिए एक एग्जाम्पल देती हूँ, लोग ज्यादातर 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल देते हैं कि 1 लाख लगाया होता तो क्या होता, यहाँ पर देखिए अगर आपने इसको 1 लाख रुपए लगाया होता तो इसने 1 करोड़
15 लाख रुपए बनाए हैं और बेस आपके 1 लाख रुपए को करोड़ बना चुका है। तो ऐसे ही कंपनीज होते हैं जो बेटर होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इस तरीके से पैसे बनते हैं। खैर यहाँ पर तो जस्ट एग्जांपल दिया गया आपको, इसको छोड़ देते हैं। एनईसी 1460 रुपए के करेक्शन से अभी 840 रुपए पर ट्रेड करिए, 42% करेक्शन। इतना क्लियर है, इतना हमने जान लिया। एंड चलिए अब मैं आपको इसकी फंडामेंटल्स के बारे में बता देती हूँ, दोनों का थोड़ा बिजनेस कंपैरिजन करके आपको बता देती हूँ, जिससे आइडिया लग जाएगा आपको कि दोनों क्या सिमिलर हैं, दोनों सेम काम करती हैं या फिर दोनों किस तरीके से जो है मार्केट लीड कर रही हैं। कैंपस की अगर मैं बात करूं तो ये इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पोर्ट एंड एथलेटिक फुटवेयर ब्रांड के लिए जानी जाती है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम। कंपनी जो है रनिंग शूज, वॉकिंग शूज, कैजुअल शूज, फ्लोटर्स, स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप एंड सैंडल्स जो कि स्टाइल, मल्टी कलर्स एंड अफोर्डेबल प्राइस पर होते हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, 17% मार्केट शेयर होल्ड करती है। 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इसकी, जहां 28.8 मिलियन से लेकर 35.50 मिलियन पर एनम कैपेसिटी प्रोड्यूस होती है। पैन इंडिया प्रेजेंस भी रखती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के पास खुद का ओमनी चैनल है, ऑनलाइन ऑफलाइन सेलिंग भी करती है, खुद की डिजाइनिंग टीम है एंड इंडिया एंड चाइना में भी डिजिटल एडवर्टाइजिंग से भी कंपनी खर्च भी करती है एंड उसे सेल्स भी अच्छा खासा कर लेती है। ओवरऑल जो है कंपनी काफी बेटर काम करती है। वहीं रिलैक्सो फुटवेयर की अगर बात करें तो इंडिया की लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, नॉन लेदर प्रोडक्ट्स में डील करती है, रबर, स्लीपर्स, कैनवास शूज, स्पोर्ट्स शूज, सैंडल्स, स्कूल शूज एंड अदर टाइप्स ऑफ फुटवेयर। इट इज ऑल्सो अ लीड इन वैल्यू सेगमेंट फुटवेयर। कंपनी के पास मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स में ये रीऑन करती है, जैसे कि रिलैक्सो, स्पार्क्स, फ्लाइट, बहामास जैसे ब्रांड है इनके। रिटेल आउटलेट्स काफी स्ट्रॉन्ग है, एक्सपोर्टिंग बिजनेस इनका काफी बेटर है, डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि नॉर्थ इंडिया में ही इसका जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जहां से 50% रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके साथ ही कंपनी का जो ऑनलाइन सेलिंग है 70% तक होता है, सबसे ज्यादा वहीं पर सेल करती है कंपनी, अच्छा खासा प्रेजेंस है। इसकी कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो 10 लाख पेयर्स पर डे है एंड एनुअली बेसिस पर करें तो 30 करोड़ पर एनम है एंड यही इसको स्ट्रॉन्ग एंड मोनोपोली बनाता है, इसका कोई कंपटीटर नहीं है। दोनों का बिजनेस सुना आपने, एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया की जो मोनोपोली बिजनेस ऑन करती है, दूसरी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, ग्रो कर रही है। अब देखिए ये ग्रो कर चुकी है, इसने अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना लिया है, ट्रस्ट बना लिया है, इसके साथ ट्रस्ट आता है। कैंपस की बात करूं, वन ऑफ द लीडिंग है, ये कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है, एंड ये खुद को स्ट्रॉन्ग बना रही है, ग्रोइंग कंपनी एंड फास्ट तरीके से ग्रो कर रही है। डिफरेंस क्या है, ये अफोर्डेबल प्राइस पर चीजें दे रही है, कंफर्ट प्रोवाइड कराती है, मल्टी कलर्स में स्टाइलिश सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है, तो इसके साथ सेलिंग्स इसकी ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो ट्रस्ट अगर आपको, मेरे हिसाब से अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो ट्रस्ट रिलैक्सो के साथ बनता है, क्योंकि ये ऐसे ब्रांड्स है इसके, फ्लाइट, बहामास, स्पार्क्स, रिलैक्सो, तो ये ट्रस्ट बनाता है इंडिया के लोगों का, ठीक है। एंड ये जो कैंपस है ये नई नई आई है, ठीक है, तो अभी ये ग्रोइंग है मार्केट में, तो यहां पर ये चीजें वॉलेटाइल को इंडिकेट करता है। तो लेकिन मैं एक डिफरेंस आपको बताना चाहती हूँ, ये अपना मार्केट बना चुकी है, इसका बनाना बाकी है, एंड जो कंपनी मार्केट बनाती है वही तो पैसे कई गुना करती है ना। अब ये जब आई थी 2011 में जब लिस्ट हुई थी, चलिए खैर पुरानी कंपनी है, बट 2011 में आई थी, 11 रुपए पर था, तो जिसने इसको मार्केट बनाना था इंडिया में, इसने मार्केट बनाया तभी तो आज 11 रुपए से आपको 1400 रुपए तक ये दिखा। ये भी जस्ट नहीं आई है, ठीक है, ये भी अपना मार्केट बनाएगी, 2008 में ही कंपनी अभी लिस्ट तो खैर 2022 में हुई है, कंपनी आई 2008 में है, और ये तो काफी पुरानी कंपनी है, इसलिए इस पर ट्रस्ट जाता है। बट ये कंपनी है, ग्रो कर सकती है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, तो इसका अभी बनना बाकी है, इसका मार्केट बनाना बाकी है, उस हिसाब से इसका शेयर प्राइसेस बढ़ना भी बाकी है। बिजनेस के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है, आपकी क्या राय बनती है दोनों में से इनके बिजनेस को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए लेकिन आप फंडामेंटल्स भी कंपैरिजन कर लेते हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि इस टाइम लेने के लिए कौन सा बेहतर है ये आपको कंफर्म मिल जाएगा, कौन सा सस्ता मिल रहा है ये भी आपको बेटर लग जाएगा, किससे रिटर्न ज्यादा मिल सकता है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए जानते हैं, बट लाइक कर दीजिए वीडियो को। कैंपस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ का है एंड रिलैक्सो का 21,000 करोड़। देखा जाए तो दोनों का ही ज्यादा नहीं है, बट इसमें कैपेबिलिटीज है, इसमें अपॉर्चुनिटी है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना अगर करती है, सिंपल 20,000 करोड़ भी करती है, तो इसके पैसे डबल, यानी आपके पैसे डबल, इसका बिजनेस डबल, सारा कुछ, इसमें ये अपॉर्चुनिटी है। रिलैक्सो का मार्केट कैपिटलाइजेशन डाउन चल रहा है अभी, अब देखिए ये डिफरेंसेस, ठीक है, अब देख लेते हैं। वैसे अपॉर्चुनिटी इसमें भी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका भी बहुत ज्यादा तो नहीं है, सिर्फ 20,000 करोड़, 21,000 करोड़ है, ये भी तो 1 लाख करोड़ तक बनाने की कर सकती है, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ ये भी तो बना सकती है मार्केट अपना, ये भी तो अभी बढ़ाएगी, तो अपॉर्चुनिटी वहां भी है, बट उसके कंपेरिजन में यहाँ अपॉर्चुनिटी मुझे ज्यादा नजर आती है।
अब देखिए ये देख लिया 42% 45% का करेक्शन है। अब बात कर लेते हैं पीई की, दोनों का पीई सेम है इंडस्ट्री पीई, तो जिससे ये पता लग जाएगा आपको कि सस्ता कौन सा मिल रहा है। अब देखिए 89 इंडस्ट्री पी है, 89 मल्टीपल है, बट कैंपस का जो है 98 है एंड इसका क्या है 136। अब देखा जाए मैं सिंपली कहूं तो दोनों का ही ज्यादा है, कैंपस भी बहुत सस्ती नहीं मिल रही आपको, रिलैक्सो तो ज्यादा ही महंगा है। अभी भी इतने करेक्शन के बाद भी दोनों स्टॉक आपको सस्ते फेयर प्राइस पर नहीं मिल रहे हैं एक्चुअली में, बट इसके हिसाब से कैंपस आपको सस्ता मिल रहा है, रिलैक्सो के हिसाब से ये काफी सस्ता मिल रहा है, ये 100 के नीचे है एंड वो 136 मल्टीपल पर ट्रेड करी है, यानी कि वो अभी भी ओवर प्राइस ट्रेड कर रही है। तो इस हिसाब से इसके एक्चुअल फेयर प्राइस क्या होगी ये भी मैं अभी आपको बता देती हूँ, बट इसमें अपॉर्चुनिटी है, ये 100 के ऊपर तो नॉर्मल सस्टेन कर ही सकती है, तो शेयर प्राइसेस उस हिसाब से बढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं आरओई आरओसी, जिससे ये पता चलता है कि रिटर्न देने की कैपेबिलिटीज क्या है, कितना देती आई है, प्रॉफिट का पता लगता है। तो कैंपस का आरओई यहाँ पर 29%, आरओसी 31% है, जो कि बहुत बेहतर है, बहुत अमेजिंग है, जो इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। रिलैक्सो का 13% 17% है, जो कि एवरेज है, उसके हिसाब से भी कैंपस यहाँ पर बेटर निकल कर आता है। चलिए ईपीएस का देख लेते हैं, अर्निंग पर शेयर, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर ईपीएस अपना बढ़ा रही है तो उस हिसाब से शेयर प्राइसेस भी उनके बढ़ते हैं, एंड ईपीएस बढ़ता है जब प्रॉफिट बढ़ता है, एंड प्रॉफिट कब बढ़ता है जब सेल्स बढ़ता है, तो सेल्स प्रॉफिट ईपीएस एंड शेयर प्राइसेस ये सारे जो एक दूसरे से जो है कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर ईपीएस ही सीधा बता देती हूँ जिसको आपको अच्छे से समझ आ जाएगा एंड आपको पता लग जाएगा कि शेयर प्राइसेस बढ़ कौन रहा है घट कौन रहा है, इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। ईपीएस देखिए इसका 2.95 है कैंपस का एंड इसका 6.19 है। आप सोचोगे कह रही है ईपीएस इसका तो ज्यादा है, बट डिफरेंस क्या है, इसके ईपीएस में 370% का ग्रोथ देखने को मिला है, इसका ईपीएस 370% से बढ़ा है एंड रिलैक्सो का ईपीएस 43% से घटा है। अब ये घटा है तो शेयर प्राइसेस घटे हैं, ये बढ़ा है तो शेयर प्राइसेस इसके बढ़ेंगे, ये डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो बस ईपीएस के कुछ लोग ये नंबर्स देखते हैं, नंबर्स मायने नहीं रखते, कितने परसेंट से बढ़ रहा है ये मायने रखता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बीटा, अब बीटा जो कि वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है, पोर्टफोलियो के लिए कितना सेफ है ये बताता है। तो यहाँ पर मुझे दोनों ही बेटर लगे हैं, आप देख सकते हो दोनों का ही बीटा 1 से कम है तो सेफ है पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है ये बेटर है, बट इसके हिसाब से रिलैक्सो ज्यादा पोर्टफोलियो के लिए सेफ होता है, वॉलेटिलिटी थोड़ा कम है इसमें। अब देख लेते हैं फेस वैल्यू, कैंपस का फेस वैल्यू 5 है, इसका फेस वैल्यू 1 है, तो बोनस स्प्लिट का बेनिफिट रिलैक्सो से तो आपको नहीं मिलने वाला है, बट हाँ कैंपस में ये मिल सकता है आपको, इन्वेस्टर के लिए बोनस स्प्लिट का बेनिफिट आपको मिल सकता है, तो ये बेनिफिट है। डिविडेंड की अगर बात करें तो कैंपस कोई डिविडेंड नहीं देती है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे आप तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, बट रिलैक्सो भी कुछ खास देती नहीं है, बट देती है 0.30% का, तो इस हिसाब से रिलैक्सो थोड़ा बहुत अपना देती है। तो ये कंपैरिजन आप देख सकते हो, आगे भी और कंपैरिजन देख लेते हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में, जहां पर आपको जो है कैंपस हर तरीके से बेटर नजर आ रहा है बट यहाँ पर वीक लगेगा, यहाँ पर रिलैक्सो आपको ज्यादा बेटर लगेगा, ज्यादा ट्रस्टेड लगेगा, वो है डेट एंड रिजर्व। कैंपस के पास जो डेट है 397 करोड़ का है, डेट कुछ खास तो नहीं है बट रिजर्व भी नहीं है इसके पास, 327 करोड़ का है, ये बड़ा कंसर्न है इसके साथ। रिलैक्सो पर ट्रस्ट क्या बन जाता है, डेट सिर्फ 178 करोड़ का है एंड रिजर्व 1738 करोड़ का है, ये बेनिफिट रिलैक्सो के साथ है, इस वजह से ज्यादा ट्रस्टेड हो जाती है एंड मोनोपोली पर इसीलिए ट्रस्ट बनता है, तो इसलिए ये स्टॉक रिस्क के साथ रिवॉर्ड दे सकता है एंड वो स्टॉक जो है चाहे रिटर्न कम दे बट सेफ रह सकता है, ये चीजें मुझे डिफरेंस बड़ा दिखता है। फंडामेंटल्स ओवरऑल अगर पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से देखते हैं तो इसके फंडामेंटल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाई पेट्रोस्की स्कोर ऑन करती है एंड ये एवरेज पेट्रोस्की स्कोर है इसका। चलिए और मैं आपको बड़ा डिफरेंस बताती हूँ होल्डिंग्स का, जिससे कि आपको और ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगी। होल्डिंग्स की अगर बात करें तो कैंपस में आप देख सकते हो 74.01% प्रोमोटर्स के स्टेक्स हैं एंड रिलैक्सो में 71.25%, तो दोनों में स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग्स दिख रही है, 74% 71%, तो ये बेटर है, बट डिफरेंस दिखाती हूँ मैं आपको। अभी मार्च क्वार्टर में ही कैंपस में जो है 0.1% प्रोमोटर्स ने जो है अपने स्टेक घटाया, जो कि ना के बराबर है, हम बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, एंड वही रिलैक्सो में 0.23% प्रोमोटर्स के स्टेक्स बढ़े हैं, ये बेटर है। इसके बाद आ जाता है एफआईआई के स्टेक, तो कैंपस में 12.26% एफआईआई के स्टेक है, 10% से भी ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, एंड रिलैक्सो में 2.82%, तो यहाँ पर एफआईआई का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, एंड एफआईआई उसी में पैसा डालते हैं जिसमें उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है, उसके फंडामेंटल्स वगैरह देखकर उनको ग्रोथ दिखता है, तो ग्रोथ यहाँ पर देखा है। एंड सबसे बड़ा डिफरेंस आपको बताऊं, जिससे कि आपको बेटर कंफर्मेशन मिलेगा, कैंपस में एफआईआई के स्टेक 5.82% से बढ़े हैं, 5% लगभग 6% से एफआईआई ने मार्च क्वार्टर में अपना स्टेक बढ़ाया है, तो यहाँ ग्रोथ नजर आ रहा है। रिलैक्सो में बढ़ाया है सिर्फ 0.21%, यहाँ पर जैसे कि मिल गया तो ठीक है, थोड़ा सेफ्टी के साथ चला गया है। DIS की अगर बात करूं तो यहाँ पर भी लगभग 7% है, यहाँ पर लगभग 8% है, दोनों सिमिलर है।
और पब्लिक होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कैंपस में सिर्फ 7% है एंड यहाँ पर जो है लगभग 18%। तो स्टार्टिंग में ही बताया ट्रस्ट बन रहा है, तो पब्लिक वहीं जाती है जहाँ पर ट्रस्ट बढ़ता है, वहां पर लोगों को ट्रस्ट दिख रहा है, बट यहाँ पर जो है अभी कम है, तो अपॉर्चुनिटी है, लोग जितने खरीदेंगे उतना ही ये भागेगा। अब चलिए म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड बढ़े हैं, वहां पर भी म्यूचुअल फंड बढ़े हैं। यहाँ पर 0.17% से म्यूचुअल फंड के स्टेक बढ़े हैं, वहां पर 0.47% से जो है म्यूचुअल फंड के स्टेक बढ़े हैं। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर नजर आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग मुझे लगा है एंड ये अपॉर्चुनिटी मुझे ज्यादा यहाँ पर नजर आ रही है कैंपस में। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए और डिफरेंसेस देख लेते हैं। चलिए किस तरीके से आपको मैनेज कर सकते हो मैं बता देते हूँ। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई टारगेट्स नहीं होते हैं, ये आप ध्यान रख लेना। लॉन्ग टर्म के लिए तो हम कई गुना एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो 370 के ऊपर सस्टेन कर जाती है। वैसे तो 360 का अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, बट 370 के ऊपर सस्टेन कर जाती है। जिसने भी शॉर्ट टर्म के लिए लिया है वो अपना 360-370 पर प्रॉफिट भी ले चुके होंगे, बट 370 के ऊपर सस्टेन कर जाती है, देन आपको जो है इसको होल्ड करना है। फर्स्ट टारगेट आपको 420 का मिल सकता है, इसको सस्टेन करती है तो आपको 470 तक मिलेगा टारगेट, इसको हिट करती है तो ये टारगेट रखना है। इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो आराम से आपको 520 का टारगेट रखना है, एंड 540 के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो आराम से आपको 620-650 के टारगेट तक होल्ड करना है, पैसे डबल करने का बेनिफिट आपको लेना है। ये मीडियम टर्म के लिए टारगेट्स हैं, यानी आपको कभी भी मिल सकता है, जब भी मिले आपको टारगेट आप लेकर निकल जाओ, रुकना नहीं है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म का टारगेट है 3-5 साल, तो हम कई गुना एक्सपेक्ट बिल्कुल करते हैं। रिलैक्सो के प्राइस पर भी जाती है तो इससे तो कहीं ज्यादा ही रिटर्न आपको देगी। खैर, रिलैक्सो की मैं बात बता देती हूँ आपको। देखिए 840 इसका काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस भी है। यहाँ से रिवर्स करने की भी चांसेस है, अभी यहाँ से डाउनफॉलिंग की भी चांसेस है। ये लेवल टूटता है मैं आपको बता दूं कि अभी देखिए 840 है, 820 का अगर लेवल टूट जाता है तो ये स्टॉक 745 तक गिर जाएगा, एंड 745 से भी नीचे, देखिए मुझे लगता है कि 800 के नीचे खरीदारी बढ़ जाएगी इस स्टॉक में, बट फिर भी 745 के आसपास मिलता है तो आप एडिंग बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी होगी, बेहतर ही होगा ऐसे कंपनीज में, बट क्योंकि कोई मौका नहीं छोड़ेगा। बट हाँ, ये लेवल भी टूटता है तो 600-650 तक गिर सकता है। बट रिवर्सल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए 840 है, 860 के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो आपको 940 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। 860 पर रिवर्स कर जाती है तो 940 तक दिखा सकती है, एंड 960 के लेवल को हिट करती है तो आपको 1100 तक का भी लेवल मिल सकता है। तो देखिए नॉर्मली 1100 तक का टारगेट रखकर आप होल्ड कर सकते हो, अगर रिवर्स करे तो, रिवर्सल में कभी भी आप लो तो, बट लेवल्स नहीं भूलना है कि 820 का लेवल टूटता है, क्योंकि 840 देखिए रेजिस्टेंस है, बट मैं फिर भी आपको जो है बता रही हूँ 820 नॉर्मली 820 का टूटता है तो वीक हो जाएगा, 750 तक गिर जाएगा। बट रिवर्स कर जाता है 860 के ऊपर सस्टेन करके तो 960 को हिट कर देती है, यानी 1100 का भी टारगेट मिलेगा, तो मुझे जो है इतना दिखाई देता है, इससे ज्यादा नहीं, बट इसमें डबल करने की कैपेबिलिटीज नजर आती है। तो मेरे कैलकुलेशन से ये सारी चीजें निकली है, हो सकता है मैं गलत भी होंगी, हो सकता है चीजें जो है जितना मैं बोल रही हूँ उतना ना हो आपको, क्योंकि 100% देखिए जो है कंफर्मेशन तो कहीं भी नहीं होती है, बट टेक्निकली बेसिस पर मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ। तो इन दोनों स्टॉक से रिलेटेड आपकी क्या राय है, कितनी उम्मीदें हैं इस स्टॉक से, कमेंट करके जरूर बता दीजिए। किसने किस स्टॉक को कितने साल के लिए रखा है, किसको कितना प्रॉफिट है, क्या लॉस है, अगर ये भी शेयर करते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।